गाइस आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसपोज और मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फॉर्म में क्या होगा कि मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो इसके इसमें मतलब क्या क्या कन्वर्जन करने होंगे ये चीज़ देखना है। सबसे पहले मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए इक्वल आई जे और एन क्रॉस एन वेर एन इज व्हाटएवर कोई इंटीजर होगा, ठीक है पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई भी मैट्रिक्स दी होगी, ठीक है, मान लीजिए 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, समथिंग लाइक दैट, a11 2 a13, ठीक है, ट्रांसपोज फॉर्म में जब भी हमको कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसपोज फॉर्म का मतलब होता है कि जो भी मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है, उसका डैश निकालना होगा हमको। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैट्रिक्स हमारे पास में ए थी, ठीक है, a3x3 की मैट्रिक्स है ये हमारे पास में। अगर हमको इसको ट्रांसपोज निकालना है तो जो मैट्रिक्स नई आएगी वो ए डैश होगी, और जो भी प्रॉपर्टी इस वाले मैट्रिक्स की थी सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी इसकी होगी। मीन्स ऑर्डर हमेशा सेम होगा ट्रांसपोज करने पर, ठीक है। अब ट्रांसपोज करने का तरीका बताइए, ट्रांसपोज करने में देखिए जो आई जे था वो इंटरचेंज होता है। मीन्स क्या होता है कि रोज को आपको कॉलम्स में कन्वर्ट करना होता है। तो सिंपल सा फिनोमेना है कि आप ऐसे हाथ रखिए, ठीक है, और एलिमेंट्स को, ठीक है, रोटेट करा दीजिए। मीन्स क्या होगा, इस वाले पूरे लाइन को रोटेट कराना है आपको क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, a11 और a12 नीचे आ जाएगा, a13, ठीक, फिर से सेकेंड वाले को, ठीक, a21 a22 a23, और लास्ट वाले को फिर से a31 a32 a33, ठीक है। ये हमारा पैरेंट था जो नया ट्रांसपोज बन के चाइल्ड बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना हुआ है। देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनने के बाद में ध्यान से देखिएगा कितने रोज हैं, 3 कॉलम्स, कितने हैं 3, और हमारा पेरेंट जो था उसके रोज 3 कॉलम्स 3। मीन्स क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी ऊपर वाले में पेरेंट वाले में थी हमारी ट्रांसपोज होने से पहले 3x3 का, सेम टू सेम प्रॉपर्टी ट्रांसपोज होने के बाद में भी हुई है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर पेरेंट ए है तो ट्रांसपोज होने पर ए डैश बना है। इस पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, पहला है सिमेट्रिक और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पूरी तरीके से डेडिकेटेड होता है तुम्हारे ट्रांसपोज पर। मीन्स क्या हुआ, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, इसको निकालने के लिए हमको पहले क्या करना होगा, दिए गए मैट्रिक्स को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसपोज में। चलिए सिमेट्रिक का केस कब बनता है, सिमेट्रिक तब होगी जब a=a'। मीन्स क्या हुआ, अगर आपकी मैट्रिक्स जो भी दी हुई है उसका आपने सिमेट्रिक निकाला, ट्रांसपोज किया, ठीक है, और ट्रांसपोज करने के बाद भी उसके एलिमेंट्स में कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट। अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स हम एक बना दे रहे हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स वन वन कर रहे हैं, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको अगर आप चेंज करोगे तो देखिए ध्यान से 1 1 1 है, चेंज करोगे, ठीक है, कॉलम बने गए फिर से 1 1 1, सेकेंड वाले को फिर से, मतलब क्या होगा, आप जैसे ही ट्रांसपोज करोगे एज सच मैट्रिक्स हमको फिर से मिल जाएगी। तो अगर ट्रांसपोज करने के बाद भी एलिमेंट चेंज ना हो, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक केस, ठीक है, और इसकी सिमेट्रिक कब होगी, इसकी सिमेट्रिक तब होगी जब ट्रांसपोज करने के बाद में, ठीक है, अगर माइनस ट्रांसपोज लगा दिया जाए, मींस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ट्रांसपोज निकालने के बाद में आप क्या करो, माइनस का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दो मैट्रिक्स में, ठीक है, और इक्वलिटी होल्ड हो जाए पेरेंट्स और इसके ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स से, देन दिस वन इज़ द
इसकी सिमेट्रिक थी। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस मींस क्या हुआ कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होल्ड होते हैं मैट्रिसेस पे। ठीक है, ये जानने वाले हम लोग सबसे पहले एडिशन मैट्रिक और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं। ठीक, चलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले हमारे पास में कम से कम दो मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए आई जी एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स है, ठीक, और दूसरा एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है, बी आई जे एम क्रॉस आर क्रॉस एस का है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत की वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड तभी हो सकते हैं, कंपेयर तभी हो सकते हैं जब उनके सारे एलिमेंट, सारे रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो। ठीक है, ध्यान देखिए एम मीन्स क्या हुआ कि हमारे रोज। ठीक है, अगर m पहले वाले के रोज दूसरे वाले के रोज के इक्वल होंगे, मतलब m इक्वल टू r एंड n इक्वल टू s, ठीक है, m इक्वल टू r एंड n इक्वल टू s दोनों केस अगर होल्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केस, ठीक है, फॉलो होंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में 2 1 3 2, ठीक है, और मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, मान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास में दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। गौर से देखिए, पहला 2x2 का है, दूसरा 2x2 का है, मींस क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ठीक है, देन एडिशन करना है। ध्यान से देखिए, एडिशन करते वक्त हमारा एलिमेंट टू एलिमेंट वेरिएट होता है, मींस क्या हुआ कि ये वाला एलिमेंट किस प्लेस पर है। अगर इसकी इंडेक्सिंग पूछी जाए तो ए ए वन वन पे, ये ए वन टू है, ए टू वन, ए टू टू, ठीक है, इसका बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन, बी टू टू, मींस क्या हुआ एडिशन के वक्त क्या होगा कि जो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन होगा वो इंडेक्सिंग के थ्रू होगा, मतलब पहले वाले का इस वाले के साथ में, फिर दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ में। ठीक है, चलिए 2 और 1 ऐसे ही 1+0, सेकेंड वाले पे जा रहे हैं 3+0 और 2+1, ठीक है, फाइनल हो जाएगा ए प्लस बी वाला जो हमारा मैट्रिक्स डिराइव हो जाएगा वो हो जाएगा 3 1 3 एंड 3 फाइनली। ठीक है, ये हमारा ए प्लस बी करने पा रहा है। ठीक, मींस क्या हो रहा है कि ए प्लस बी मतलब अगर एडिशन कर रहे हम तो एलिमेंट टू एलिमेंट, ठीक है, ऑपरेशन चलेगा। अच्छा, सेम प्रोसीजर होता है अगर हम नेगेटिव वाला ऑपरेशन चलाएंगे, मींस क्या हुआ सब्ट्रैक्शन। ध्यान से देखिए, अगर कोई भी दो एलिमेंट जुड़ रहे हैं, ए प्लस बी हो रहा है और ए माइनस बी हो रहा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी में एक स्लाइटली थोड़ा सा अगर डिफरेंस देखा जाए तो a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस ऑफ b, मींस क्या हुआ कि जो माइनस वाला ऑपरेशन है एक्चुअली में प्लस ही ऑपरेशन है लेकिन माइनस वाले सिंबल के साथ में। ठीक, चलिए मान लीजिए हमारे पास में सेम फिर से यही दोनों मैट्रिक्स पड़े हुए हैं और अब की बार हमको प्लस वाला ऑपरेशन ना करके क्या करना है, माइनस करना है, मीन्स क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है। ठीक, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस ऑफ माइनस बी। अब माइनस ऑफ बी मीन्स क्या हो रहा है कि माइनस से हमारे सारे एलिमेंट में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का अभी अगला स्टेप होगा, ठीक है, जिसमें हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। अभी के लिए जान लीजिए कि माइनस का मतलब हो रहा है कि सारे एलिमेंट्स में माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, ए वाले मैट्रिक्स को, चलिए लिख लेते हैं 2 1 3 2 यहाँ से, ठीक है, प्लस का सिंबल, माइनस ऑफ बी, अब माइनस ऑफ बी लिखना है मींस माइनस से मल्टीप्लाई करके बी को लिखना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए
माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन। फाइनली जोड़ने का तरीका पुराना एलिमेंट टू एलिमेंट मतलब इंडेक्सिंग के थ्रू, तो टू को किससे जोड़ेंगे माइनस वन से, ध्यान से देखिए टू प्लस माइनस वन ठीक। उसके बाद में वन को किससे जोड़ेंगे जीरो से ठीक है, थ्री को किससे जोड़ेंगे जीरो से, और टू को किससे जोड़ेंगे माइनस वन से ठीक है। फाइनली ये ऑपरेशन होने के बाद में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और टू में से माइनस वन घटेगा, कितना बचेगा वन, वन प्लस जीरो वन, थ्री प्लस जीरो थ्री, और टू प्लस माइनस वन कितना हो जाएगा वन। ये हमारा क्या होगा सब्ट्रैक्शन के बाद में फाइनल मैट्रिक्स डिराइव होगी ठीक। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने सीख लिया है। फाइनली दूसरा चीज है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान से देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो रहा है कोई भी सिंबल के साथ में कोई एलिमेंट हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाए किसी मैट्रिक्स में। मीन्स क्या हुआ, अगर हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए ठीक है, ए आई जे समथिंग अगर एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है ठीक, और इसमें क्या करना है हमको एक के से मल्टीप्लाई कराना है। अब के क्या हो सकता है, वट एवर के कुछ भी हो सकता है यार, के का मतलब वन के मतलब वन एम, या एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है प्लस माइनस इंटीजर टाइप का ठीक है। अब ध्यान से देखिए जब भी हमारा के से मल्टीप्लाई करना है हमको किस में करना है ए में ठीक, तो क्या होगा ये फाइनली के सारे एलिमेंट पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा ठीक है। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए ध्यान से हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए ठीक है, और ये है मान लीजिए टू वन थ्री माइनस वन ठीक है, और हमको मल्टीप्लाई करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है जहाँ पर के की वैल्यू है माइनस कुछ भी रख लीजिए माइनस थ्री रख लीजिए ठीक, माइनस थ्री से क्या करना है हमको ए में मल्टीप्लाई करना है ठीक है। ध्यान से देखिए माइनस थ्री इंटू ए, अब ए क्या है हमारी ये है, चलिए देख लेते हैं माइनस थ्री इंटू क्या है टू वन थ्री माइनस वन। अब ये माइनस थ्री जो है ये माइनस थ्री क्या करेगा सारे एलिमेंट पर वन बाय वन क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। देखिए ध्यान से क्या आएगा माइनस थ्री इंटू टू और माइनस सिक्स, माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, और माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस का नाइन, और माइनस माइनस प्लस थ्री वन जा थ्री। दिस इज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ठीक। इस वीडियो में हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन तक सीखा है ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि मैट्रिक्स पर ऑपरेशन किस तरीके से होल्ड होते हैं, जैसे कुछ लॉज होते हैं एसोसिएटिव हुआ ठीक है, और आइडेंटिटी रूल्स हुआ ठीक है, उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और फर्दर दो मैट्रिक्स का ए और बी अगर कुछ भी हो मान लीजिए ए आई जे एम क्रॉस एन एम बी इक्वल टू बी आई जे और क्रॉस एस, कुछ ऐसे मैट्रिक्स दो या दो से अधिक मैट्रिक्स होंगे ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगा आपस में ये सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।